महंगाई की वजह से ज्यादातर कबायली इलाके मुतासर हुए हैं। फोर्ट मिनरो के छोटे बाजार में तो चीनी 150 रुपए पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख बख्त अली से, जो इस वक्त उसी बाजार में मौजूद हैं। जी शेख बख्त अली, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई की वजह से ज़्यादातर जो इलाके हैं कबेली इलाके, वो ज़्यादातर जो है मुतासर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है चीनी का जो रेट है वो भी दुगुना हो गया, और घी का जो रेट है वो भी जो है दुगुना हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है कबेली लोगों के जो हालात है वो बुरे हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। तो उस महंगाई की वजह से यहाँ के जो कबेली इलाके हैं के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। पूछने वाला जाते नहीं यार, किसी का अपना मत, अपना कानून है, जैसे मर्जी है जैसे चले, हर किसी का अपना मत। ये हमारा शाम का है, सुबह का नहीं है। अभी हम जैसे चीनी 110 का ले रहे हैं, 2000 दिन का चीनी 150 है, अपना 150 रुपये किलो बिक रहा है, और घी 350 रुपये। यहाँ की महंगाई ने बिल्कुल हमारे गरीबों की कमर तोड़ दी है, लेकिन है पूरे पाकिस्तान में महंगाई, और ये कबायली इलाके में बेहोश महंगाई है, बिल्कुल होश में नहीं है। गरीब हैं जहाँ सब जो है ना परेशान है। सर, 150 रुपये किलो घी तकरीबन 300-350 रुपये किलो है। अच्छा, सर बाकी जो कबेली जो लोग हैं तो उन्होंने हालात में बहुत मुश्किल होता है। हमारे चित्री इलाके पे जिला राजनपुर जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो स्कूल भी नहीं है, वहाँ तो अस्पताल नहीं है। मुलाजिम जो उस्ताद हैं वो तनख्वाह घर पे ले रहे हैं, हमारा कोई हाजिर नहीं है। अस्पताल हमारा बंद है, अस्पताल का इमारत भी गिर चुका है और कुछ भी नहीं है। ये भी सहूलत हमारा खराब है। हर जगह पे स्कूल में जो उस्ताद हैं वो हाजिरी नहीं देते, और अपने जो घर पे से तनख्वाह, इसके अलावा अस्पताल का भी कोई सहूलत। बहुत शुक्रिया शेख बख्त अली, आप हमें खबर की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन मजीद खबरों और उनकी अपडेट से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।